हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। मैं आज अपने सड़क के पास आया हूं। तो आज मैं और राहुल जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग पर। तो आज हम फिर से जाएंगे देवता महेश्वर महाराज के मंदिर तो दर्शन करने। तो आज हम वहाँ थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम वहाँ पर गए थे, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आज फिर से एक और प्लान बना है हमारा घूमने के लिए। तो देखते हैं आज रोड बाज़ार में भी थोड़ा सा घूमने का मौका मिल सकता है। बाकी आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ। अभी बज रहे हैं 7 सुबह के। तो ये देखिए, और मॉर्निंग व्यू में आप देखिए, अभी थोड़ा सा ठंडा सा जब इस तरह से छायादार दिखता है ना एरिया, तो तब बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 9-10 के आसपास टाइम होता जाएगा, तो फिर धूप ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ लगी है हमारे कज़न ब्रदर की गाड़ी। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो दोस्तों, सुबह के टाइम में जब भी हम, जैसे मैं 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, तो सुबह का जो मौसम होता है ना, वो इतना अमेजिंग होता है। और साथ में चिड़ियों की चहचहाने की जो आवाज़ सुनाई देती है, तो जैसे कि आप सुन भी पा रहे होंगे, कई पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, अगर आप सुन पा रहे होंगे। तो सुबह के टाइम में ऐसा लगता है ना कि कोई, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो, इस तरह से चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह के टाइम में। तो चलिए, राहुल भी अभी आने वाला है, वो घर से निकल चुका है, मैंने कॉल किया था, तो फिर वो भी आएगा। तो चलिए वेट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो अभी ये तो हमारा हाउस आपने देखा है, जो अभी बन रहा था। अभी थोड़ा सा इसमें पेंडिंग चला हुआ काम, इसको भी हम कम्प्लीट कर लेंगे कुछ टाइम में। तो बाकी आप ये देखिए, ये हमारा मेन रोड। तो इस साइड में है नारकंडा वाला एरिया, जो टीकर वगैरह, नार वैली। तो ये शिलहान और कच्छारी का एरिया हो गया है। तो चलिए राहुल का आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये आया, जोगी जोगी जोगी, ये देखिए जी, हमारा छोटा सा डॉगी आया है अभी। जागू 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 जागू। तो हमें मेटलिंग के लिए भर भर के जाते हैं सुबह सुबह ट्रक। हेलो हेलो हेलो, ये आए हैं राहुल भाई। इधर लगा, इधर 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 इधर, कालीचरण पटवारी किधर? हेलो पाजी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पिछले साल की है क्या? अरे वही भाई, अभी इस साल की नहीं, नहीं वही वाली है, पिछले साल से लेकर कहाँ के लिए। अच्छा, जो पिछले साल की। हाँ, तो चले अब चले रोडू। ये राहुल भाई इधर, ठीक है ठीक है, ओके। ये जी मेहंदली यहाँ लगा है स्पीड मीटर। राहुल भाई चले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसा निकालना, पैसा।
पैसा पैसे निकालने जा रहे हैं। और हमें पहुंचे हैं अभी पार्क से थोड़ा आगे, अभी हम जाएंगे मेन मार्केट की तरफ। तो अभी राहुल भी गया है, तो सुबह उठा दिया आज, इसलिए थोड़ी सुस्ती पड़ रही है। तो चलिए, राहुल ने आज और जल्दी उठा दिया सुबह सुबह फोन करके, देखते हैं अभी है पैसे लेके आएगा पैसा। ये अभी यहाँ देखिए पैसा। ओके चलिए फिर चलिए। अभी देखिए पूरी मार्केट खाली है सुबह सुबह, ये देखिए सभी दुकानें बंद है अभी, एक दो। ये है अनुपम होटल और यहाँ से जाते हैं आगे हम मेन मार्केट की तरफ। अब मौसम देखिए, अब मौसम है एकदम से काले काले बादल भी आ रहे हैं हल्के हल्के। मौसम देखिए, अब मौसम एकदम से सुहाना। तो अभी पहुंचे हैं हम शिकड़ी पुल, ये है शिकड़ी पुल, ये देखिए जी। तो इस साइड से जाता है समरकोट रोड और अभी हम जा रहे हैं मेन मार्केट से। तो सुबह के टाइम में अभी रश कम रहता है, ये देखिए जो लगा के है। ये देखो कैसे उठा रहे बंदे। चलो जी अब चले हम पीछे की तरफ। अरे सीटिया क्यों मार रही है गाड़ी राहुल, सीटिया क्यों मार रही है सीटिया। यहाँ के पेट्रोल की ना राहुल एवरेज सही आ रहा ना, मेरे को ऐसा लगा कुछ है ना। तो आप भी आइए, जो भी रोड आएंगे तो यहाँ पर न्यू पेट्रोल पंप खुला है स्माला रोड के पास, तो यहाँ से आप तेल डालें तो काफ़ी अच्छी एवरेज। 5 लीटर डाल दी दोस्त ने, 5 लीटर 5 लीटर दोस्त। ये देखिए जी यहाँ पर आए आप, ये लोकेशन है आपके, ये है आपके रामपुर रोड में। जैसे ही आप मेन बाज़ार क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ पर आए। जी है जी कैफी, ये है सबसे डेंजर पॉइंट, ये देखो रोड, वाह एकदम से अंधा मोड रोड, देखिए अब रोड खतरनाक वाले रोड है यार। ये आसपास के इधर गांव, जंगलों के बीच में जाता हुआ ये रोड, काफी ठंडा मौसम। वाह यहाँ पर है गोल्डन व्यू ढाबा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर यहाँ पर फूल मिलता है। गोल्डन व्यू ढाबा ये देखो, ये देखिए जी कितना सुंदर व्यू है। और सामने देखिए आप देवतर महेश्वर महाराज का मंदिर, ये देखिए सामने ये वाला मंदिर, ये देखो जी। तो अभी हमने जाना है यहाँ पर जी, यहाँ पर सुंदर मंदिर बीच में ये देखो, और हमने जाना है इस रोड में नीचे और ऊपर की तरफ जाता है रोड सुंगरी रामपुर के लिए। हमने जाना है शलावट रोड में, ये
ये है सामने सलावट और पुजाली गांव। तो ये पहुँचे जी फिर से हम देवतामेश्वर महाराज के मंदिर में। तो यहाँ पर राहुल ने चला हुआ है, तो हमने यहाँ पर भोग चढ़ाना है कढ़ाई। तो चलिए जाते हैं आगे। ये देखिए जी आप देवतामेश्वर महाराज, आज आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मैं यहाँ पर मंदिर में की गई कलाकृतियाँ, जो कलाकारियाँ हैं वो दिखाता हूँ। हैं ये देखिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी की गई है इस मंदिर में। ये देखिए आप, अभी तो आए नहीं होने। तो चलो जी, आज हमारे पास है टाइम यार, हाँ रुक जा तब कर रही, थोड़ा सा बना ले दे। ये देखो जी भव्य और सुंदर मंदिर, आसपास का व्यू देखिए आप। यहाँ देखिए जी पत्थर की नक्काशी से बनाया गया शिवलिंग, ये भी काफी सुंदर बना है। और साथ में आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर भी शिवलिंग बना है। और ऊपर की तरफ आप देखिए। चलो जी मंदिर के बैक साइड का ये भी लगते हैं आपको, यहाँ देखिए। इधर हमारे भोलेनाथ, इधर भी बनी है शिव जी भगवान के बने हैं इधर भी। ये देखिए जी पत्थर से, पत्थर की बनी है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर भी तो यहाँ पर देखिए भाई, एक बात है ना, इस मंदिर में बहुत तकड़ी नक्काशी हुई है। ये वाला मंदिर अभी नीचे जाके दिखाऊंगा इसको मैं, पहले यहाँ से देखो जी इसके बैक साइड और चारों तरफ का व्यू आप देखिए। ये देखो जी काफी बड़ा मंदिर है यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये सामने वाला मंदिर नीचे जाकर। ये है इस मंदिर का फ्रंट जोन। तो ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। ये देखिए आप इसमें ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, ये देखिए। यहाँ देखिए आप इस तरह की कलाकृतियाँ आपने शायद ना देखी हो। आज हम इस मंदिर की हम आपको जो पूरी नक्काशी की गई है लकड़ की में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो मैंने आपको पहले मंदिर बताया था कि आप इस मंदिर को देखिए, ये देखिए, तो आप सामने देख सकते हैं। ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार, और यहाँ पर देखिए कितना भव्य मंदिर, जो इसमें कलर कर रखा है गोल्डन का, तो ऐसे लगता है जैसे कि इसमें चारों तरफ से सोना ही सोना लगा हो। तो बाकी आप इस मंदिर का फ्रंट जोन देख ही सकते हैं, भव्य और सुंदर।
तो ये हम आज आपको दिखा रहे हैं, तो आप भी आए और इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आए। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए, इसमें जो कलाकारियां की गई है उसको हम बारीकी से दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, तो यहाँ पर भी देखिए, तो इधर देखिए आप, आज संडे है, पीछे भी निकल रहे, ये देखो जी इसमें कलाकारियां जो की है, ये देखो, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और सामने भी आप यहाँ देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से कैसे इसमें कलाकारियाँ की गई है। तो यहाँ पर देखिए शिवलिंग बनाया गया है, और साथ में इस मुख्य द्वार को देखिए आप, और ऊपर की साइड में आप गणेश भगवान को देख सकते हैं, और यहाँ पर काल भैरव, जो साथ में यहाँ पर शिव जी की मूर्ति, और ये है प्रौल, इसको पहाड़ी भाषा में हमारे प्रौल कहा जाता है, और साथ में चारों तरफ नाग देवता के चित्र बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप कितनी बारीकी से इसमें कलाकारियाँ की गई है, और फिर आप इस साइड में आएंगे तो इस साइड में भी आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो किस तरह से बनाया गया है, यहाँ देखिए, ये देखो जी, अब तेरे को पानी पी रहा है ना मम्मी, पानी पी रहा है पानी। यहाँ
जो है ना वो तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देवता महेश्वर की पालकी निकाली है। तो सभी यहाँ श्रद्धालु लोग अपनी अपनी समस्याओं का निवारण के लिए आए हैं। तो इसके लिए कहा जाता है रिखेड़, जो यहाँ पर देवता महाराज अपने रिखेड़ के अंदर डाल रहे हैं। जय देवता महेश्वर महाराज की। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिए हैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, और ये देखिए अभी का व्यू। तो चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं। तो चलिए जी, हम चले अब घर की तरफ। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय देवता महेश्वर महाराज की। चलिए जी।